नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अयोध्या में अपने दिव्य भव्य और नव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब एक महीने का वक्त बचा हुआ है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस दिन अयोध्या में त्रेता युग उतरेगा। रामलला के लिए उनका घर उसी तरह दिखेगा जैसा उन्होंने छोड़ा था। अब अगर आप बेसब्री से देखना चाहते हैं कि राम के वक्त राम की नगरी कैसी थी, तो इसका स्मरण करने के लिए आपको एक महीना नहीं बस एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म नगरी अयोध्या को त्रेता युग बनाने की रिहर्सल की जाएगी। क्या है आखिर पूरी बात, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 30 दिसंबर को धर्म नगरी अयोध्या का बदलेगा रूप। पीएम मोदी के स्वागत में अयोध्या में उतरेगा त्रेता युग। लगेंगे भव्य तोरण द्वार, सजेंगे मठ मंदिर, होगी फूलों की बारिश। सीएम योगी ने कर लिया है ग्रैंड वेलकम प्लान। 30 दिसंबर को धर्म नगरी अयोध्या का रूप रंग बदलने वाला है। उस दिन ये नगरी राममय होगी। पर सिर्फ इतना होगा कि इस दिन रामलला नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। दरअसल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री का दौरा अयोध्या को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देने वाला होगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मनगरी अयोध्या में 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत संतगण से चर्चा की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। योगी ने कहा कि अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप सजाया जाए, पूरी अयोध्या राममय हो, स्थानीय मठ मंदिरों को सजाया जाए, भव्य तोरण द्वार तैयार किया जाए, राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ के साथ साथ अयोध्या एयरपोर्ट से बाईपास से नया घाट जोड़ने वाले मार्ग से संबंधित कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अयोध्या वासी भी उत्सुक है, ऐसे में उनका भी यथोचित सहयोग ले, साधु संत गणों का मार्गदर्शन प्राप्त करे, पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाना चाहिए। बता दें कि योगी ने आगे ये भी कहा है कि अयोध्या में 30,000 करोड़ से अधिक लागत के परियोजनाएं गतिमान है। प्रत्येक निर्माण कार्य की नियमित गुणवत्ता भी चेक की जाए, जनसभा स्थल और अन्य प्रमुख स्थलों पर वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके साथ ही उन पार्किंग के पास पर्याप्त जन सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री के जनसभा में 1.5 से 2 लाख आम नागरिकों के आने की संभावना के दृष्टिगत सभी तैयारियों को किया जाए। कार्यक्रम को लेकर जिलाध्यक्ष का बयान। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने बताया कि 256 शक्ति केंद्र से एक एक बस में सवार होकर कार्यकर्ता और समर्थकों को लाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसी तरह महानगर के 60 केंद्रों से छोटे चार पहिया वाहनों से लोग यहां पर पहुंचेंगे। जनपद से करीब 1 लाख लोगों को रैली में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलाध्यक्ष के अनुसार पीएम मोदी एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो भी कर सकते हैं। इस संबंध में शनिवार को कमिश्नर गौरव दयाल के साथ बैठक होने वाली है। सभी जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी यहां शामिल होंगे। फिलहाल जिस तरीके से 22 जनवरी से पहले 30 दिसंबर को अयोध्या में तैयारी की जाने वाली है, उसे लेकर आप कितने उत्सुक हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।